अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसगर चौधरी वॉल न्यूज़ नेटवर्क तू। आज ना प्रोग्राम ज़रा थोड़ा जहा फॉर्मेट तू हटी थे, इसी कुछ अजीब और गरीब भी आई सकने हैं। ये प्रोग्राम आ जिस गिले शिकवे भी हो सन, तुसानी जानब तू जड़िया उंगलियां उठाइया जुड़ियाँ, उन्होंने भी जवाब हो सन और कुछ खुद इतसा भी नहीं गल भी हो सन। माड़ना जी शख्सियत मौजूद ही शायद ही है तहसील लोहरा ना कोई ऐसा बाशिंदा वै जड़ा इस शख्सियत तू वाकफ ना वै। माड़ी मुराद अनवार अब्बासी नहीं है। अनवार अब्बासी ना सिर्फ सीनियर जर्नलिस्ट है बल्कि रोज़ टी वी ने एंकर भी है। और इस तू हटी तो जड़ा साफ्ती सियासत ही वफाकीदार हुकूमत ने उसने अंदर भी बड़ा ही ना एक मुतारक रोल रहा और इस वेल भी वो मौजूदा रोल साबका मैंबर गवर्निंग बॉडी नैशनल प्रेस क्लब रहे। कुछ वक्त ऐसा सा कि जिस वेल असा अनवार अब्बासी की मुड़ी मुड़ी एक गल आने से हाँ यार क्या तुस एक सर्कल चो बाहर संघिया किया ने निकलना, क्यों नेशनल मीडिया ने अंदर इंटरनेशनल मीडिया ने अंदर किया ने करना। और अनवार अब्बासी उस टाइम एक ही जवाब होना सा कि असगर भाई तुस नया समझने जी कि मैं समझना हाँ। और वाकया मैं आज उस उन काफशा ना मोतरफ हाँ कि इंतहाई मुश्किल हालात भी ना मुसायद मौसम रोडानी हालत हर तरफ असा ना एक ववाल जानिया बनता है। उसे बावजूद अगर रीजनल मीडिया ने अंदर देखा या नेशनल मीडिया ने अंदर देखा तो लोरे ना कुरा नाश ऐसा चाहे दो कालम खबर वै या त्रै कालम खबर वै फिर पी टी वी ने अंदर आया और इसे तरीके बाकी चैनल ना। लेकिन उस तो बाद डिठा गया कि अनवार अब्बासी बतदरीज अपने आप की उस धरती माँ तू अलग करी तो कुरे पिंडी इस्लामाबाद वाले पास मसरूफ है। ये सवाल की नहीं था अजा से इन्होंने सामने बैठा और इन्हें बिठाया। अस्सलाम वालेकुम अनवार, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शिकवे तो इतने लंबे मैं सट्टी छोड़े अगे और ये माड़े भी है तो पब्लिक ने भी है जो लो रहे हैं। जो साहब बड़ी मेहरबानी तुसाने सुने बड़ा पन आ कि तुसाने जो अल्फाज माड़े से एक सर्टिफिकेट भी है एक सनत भी है। मैं इस चीज़ का मुतारफ हाँ कि तुसा मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद नी पार्लीमानी रिपोर्टिंग बिच अगर किसी सीनियर जर्नलिस्ट का ना अगर किंदा जुलना तो असगर चौधरी ना नुमाया रूफ न जलीय रूफ जिस तरह तुसा आखने उस लिखिया जाना और इस्लामाबाद ने जड़ी साबती सियासत थी। दरअसल मैं तुसें दिखी शुरू की थी तुसें मिगी उंगली तो पकड़िए नाल तरीकी आंदा। मैं इस चीज़ ना मैं आज आखना है कि अगर इस सियासत में मुमकिन आए तो असगर चौधरी साहब मैं जबरदस्ती तरीके से नाल आने से कि यार लोरे ना ना आया ना तुम छोड़ो यार निकलो लोरा से आओ यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम बैठे हैं इस्लामाबाद में बैठे हैं तो यहाँ पर पॉलिटिक्स करो तुम्हें पॉलिटिक्स का ज़्यादा शौक है तो आओ यहाँ पर एक प्लेटफार्म है तो वहाँ पे करो। तो मैं इस चीज़ ना इतराफ़ करना है कि मिकी अगर नेशनल प्रेस क्लब ने मेरे सियासत अगर आंदा तो असगर चौधरी साहब मिकी उंगली तो पकड़ी तरीके आ जाए। उस तो बाद माड़े कुछ और मौसम राय जिन्होंने शफकत नाल जिन्होंने मेहरबानी नाल मिकी एक स्पेस मिली और उस मैं मशहूर हाँ उन्होंने लेकिन एडी अब्बासी बिला शोभा उसना एक वाइटल रोल आ। उस तो अलावा असने बाकी भरा वकार अब्बासी साहब है अहमद सईद अब्बासी साहब है शाकर अब्बासी आ बहुत सारे दोस्त असने दीगर जड़े जिन्हें असने रनमाई की तैमूर जदून ना मैं अगर ना ना किना लुकमान शाह ऐसे मैं समझना कि तैमूर जदून बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे उन्हें असने गिश्ते हेल्प की थी तुसा सरप्रस्ती की थी तुसा असा की असा यानी कि एक रनमाई असा की फराम की थी। उस बाद अल्लाह ने शुक्र आ के मतलब वहाँ पे मैं गवर्निंग बॉडी ने मेंबर बनाया आल तो के एक छोटी सीट सी लेकिन फिर भी चला क्यों छोटी सीट सी गवर्निंग बॉडी को लिए सारे इख्तियार आते जी बिल्कुल सदर ते सेक्रेटरी आसन तो कुछ कर ही ना सका। हाँ बिल्कुल और उस वस्ते मैं जो साहब मैं एक वक्त सा बिल्कुल मैं इस चीज़ ना सुमी गल आखने उन्हें से आ कि यार अनवार अब्बासी लोरा से निकलो और यहाँ पे आओ मतलब मैं उस भी ये गल आखना उन्हें से आ कि मतलब मिकी अपने इलाके की मट्टी नाल प्यार आ अपने लोगों नाल प्यार आ क्योंकि बहुत सारिया ऐसिया महरूमिया सियाँ कि जी माड़ी नज़र बहुत बड़िया सियाँ। मैं अपने दोस्तों ही ये गल आखना होना कि असं कुएं ने मेंढक आ जिस अस कुएं चा बाहर निकलना से पता लगता कि दुनिया बड़ी वास्ट बड़ी बहुत बड़ी दुनिया ही असं सिर्फ कुएं नहीं असनी जी नज़र दिखनी ना कुएं की दीवार तक से लेकिन उस बाद एक वक्त आया तो मैं अज देखना आ कि लोरे ने हर गली मोहल्ले तहसील लोरा क्या इब्टाबाद ही एक बॉल न्यूज़ नेटवर्क ना एक ना आया और मैं बड़ी खुशी होनी चाहिए साहब कि आज हर लोरे ने बच्चे बच्चे ने जुबान पर बॉल न्यूज़ नेटवर्क ने ना आया जड़िया इस माड़े प्राउडियाँ काबशाइयाँ
जिन्हें ग्रास रूट लेवल पर लोगों ने मिसाइल की उजागर किया। इस साइड पर खिता को सारी मैंने एडी अबासी हिल न्यूज़ ने हवाले नाल एक ना आया तो उधर वॉल न्यूज़ आया और लोगों ने जो मिसाइल से जो पोशीदा मिसाइल से जो मिम्बरान ने सूबाई असम्बली कौमी असम्बली नज़र तुने से गुजरने वो आज मतलब हर जगह ये आवाज़ जी लोरे नहीं और जड़े इकतदार ने वाना तक भी पहुंचनी और उसका क्रेडिट जो साहब तुसे जुलना में थैंक यू अनवार ने नहीं इतना गुजारिश है ना आज मैं आज मैं एक जगह बैठा था एक शादी में मिली ना आई एक शादी पर भी बैठा था एक जिक्र होया एक न्यूज़ ने वाले नाल मतलब जो साहब गिल्ला किया एमपीए साहब ही नज़ीर भाई साहब की कि जी तुसा उस स्कूल ने वाले नाल कुछ करो कि मैं देखा कि टेरीर खाले नहीं गल की टेरीर खाले वाले स्कूल तो मैं उसने पैकेज बनाई तद तक रोकया उन्होंने कहा ना जो साहब रोकया ना और मैं देखी तो मैं उस तो बाद मैंने एक विजिट भी किया बल्कि मैं तो पूछा कि तो कुछ गाइया चरनिया सी मैं पूछा कि कड़ी क्लास पढ़नी है नज़ीर भाई साहब ने अल्फाज से इसका मकसद आ कि बकायदगी वॉल न्यूज़ देखा किशना और जो असने मिम्बरान है पार्लीमेंट है और देखी तो मिसाइल नहीं हल नहीं कोशिश करने एक बड़ी कावशी और एक जिहाद आ अपने इलाके नाल जिस तरह ने चुने एक ऑप्शन है जो साहब मैं ये समझना कि ये मतलब वो है जरा मैं तुम आखी सकना कि जरा जी शऊर शख्स आ वो तुसा कि इसलिए एक मुजाहिद की हसीयत नाल जिहड़े उन मसाइल नाल लड़ने आ ए, मैं समझना है कि माड़ी कोई नेगलिजेंसी थी कि कुछ अरसे तू मैं बिल्कुल मंजर तो गायब हां कुछ अरसे तू नहीं अनवार इस वजह तू कि माड़ा भरा उथे मौजूद है भरा मौजूद है उंगलियां उठनियां देखो कि अनवार अब्बासी कोई ऐसा इवेंट ना और मुश्किल तरीन रोडों पर मतलब मिगी तरगीब मिली जिसको तुसा जगह जगह पर गशने से हो और इतू अपना खर्चा करी इतू अपनी मीडिया टीम तुसा अपने एक्सपेंसिव पर खड़ने से आ अगे तो अलहमदुल्ला सब एक अच्छा अल्लाह भला कर अला चलना जड़ा जी जी आज लोग ये आखने कि अनवार अब्बासी कुथे आ अनवार अब्बासी क्यों लोरे ही भुलिया अनवार अब्बासी ने एक माइक क्यों खामोश आ अनवार अब्बासी ने कैमरा क्यों खामोश आ इसने जवाब सुन दिया जो साहब बड़ी एक बड़ी मैं उसे दसा कि लंबी कहानी है मैं उसमें कि आप रिकॉर्ड आन कैमरा नहीं मैं आप रिकॉर्ड में उसमें दसा भी दूसरी चीज़ है कि जो हिसाब से देखा उस कि जिसलै लोरे का ना कुछ जानना ने सा मैं बड़े जड़े मीडिया ग्रुप से जिस तरह जंग खबरें नवाए वाग इवन तमाम बड़े जड़े मीडिया ग्रुप से उन्होंने फिर रोज़ टीवी पर मैं मोर देन 2 dozen प्रोग्राम जड़े किए घंटे घंटे प्रोग्राम प्राइम टाइम में मैं करना रहा उस चीज़ की मतलब उतने जो लोगों ने अपनी मेंटल राइट्स से उनकी मैं उतो उजागर किया मिसाइल जड़े से उन्हें उजागर किया लेकिन ये एक बड़ी मतलब जिसलै असें ज्वाइन किया असें जर्नलिज्म असें गी पता सा इसने अंदर मुश्किलात हियां आसाइशां नहीं हियां जी जी बेशक इत्थे हौसला शिकनी होसी हौसला अफजाई नहीं होई सकनी बिल्कुल लेकिन एक मिशनरी जज्बा सा ना नड़ीला मर्डर केस पर तुसा ना रोल जड़ाया और पूरे इलाके इसका एक मिसाल रोल बनता अलहमदुल्ला तुसा प्रारानी मदद नाल सारा कुछ होया मतलब उस तो बाद और फिर पिछले पीटीआई ने जी कोई तंजीम साजी सी उस पर सो बहुत बड़ा किते सो बिला तकसीस ना एमएनए साहब भी डिठा था ना एमपीए साहब भी डिठा दो पर बड़ा खुले दस तनकीद करने रहा और बड़ा बैलेंस चलने रहा आज वजह वो अच्छी की ना कि आज लोग आखने कि वजह कहे कि अनवार अब्बासी की इस्लामाबाद दी आसाइश पसंद अच्छी किया या वो कोई दौलत कमाने ने चक्करी लगी ये लोगों की जवाब देखा सो पब्लिक रिप्रेजेंट करने हैं तुसा इस चीज ने बेहतर बेहतर गवाया कि मैं कितनी दौलत कमाई अल्हम्दुलिल्लाह दौलत बहुत कमाई लेकिन जिस तरह मैं खर्च किए या जिस अंदाज ना खर्च किए या माड़ा जरा वे ऑफ लाइफ आ जरा माड़ा तर्ज लाइफ आ जरा बताया कि किस तरह ना आया मैं सिर्फ सोशल कमां में मैं जो कुछ कमाया मैं खर्च किया आई अल्हम्दुलिल्लाह माड़े पर उंगली कोई ना उठाई सकना कि किसी पार्लीमेंटेरियन को कोई हेल्प किंदी वे या किसी करप्शन ना हिस्सा बनया वा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह सुरखरू रहसा कि मैं कुछ किसा की लाया उसी किसा पर किसा ने मैं हेल्प नहीं किंदी एक चीज इधर और क्लियर करी छोड़ा सो कि जेडे सो पैसे कमाए जर्नलिज्म च कमाई नहीं अल्लाह जो हिसाब मैं 5000 रुपया सुबह उठी मैं आई आंडा कैमरा तुसने वॉल न्यूज़ नेटवर्क ने प्लेटफॉर्म तू मैं आखना है कि अपने बिजनेस विच आ सुबह मैं जिते तुम्हें पता हमारे स्टूडेंट मैं उतना खाली बाहर गड्डी जा रहा लड़का जी 5000 नोट देना सा वो खड़ी
ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਮੁੜੀ ਦਾ ਥੈ ਚਿਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਇਹ ਮਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਣੇ ਉਹਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਜੋ ਸਭ ਤੁਸਾਂ ਮਾੜਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਮਾੜੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗਿਆ ਜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੋਲ 2013 ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਰਾਨ ਖਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਾਸੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬਸ ਸੀਓ ਬੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੋ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਨੇ ਦੁਆਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਫਲ ਸੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਕੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਦੀਨਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਨਾ ਫਤਾ ਸਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਲ ਦੋ ਕਿ ਯੂ ਨੋਜ਼ ਬੈਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਇਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸਕੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਨਾਂ ਮਾਰ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਵੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾ ਲੋਗੋ ਉਠਾ ਕਰ ਤੁਮ ਵਹਾਂ ਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਬਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਾਥ ਮੇਂ ਜੀਓ ਕਾ ਜਾਂ ਪੀ ਟੀ ਵੀ ਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਕਾ ਲੋਗੋ ਹੋਤਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਮਿਲਣਾ ਥਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਬੜੇ ਚੈਨਲਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾਈ ਮਿਸਾਈਲ ਪੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸਕੀ ਕਾਵਿਸ਼ੋ ਸੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿਦੂਦ ਵਸਾਇਲ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਚੌਧਰੀ ਕੇ ਵਸਾਇਲ ਕਿਆ ਹੈ ਉਨ ਵਸਾਇਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕਰ ਇਤਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਮਸਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੋ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕਰ ਜਾਂ ਉਸਕੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲਦੋ ਕੇ ਆਪਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੋ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਮਤਲਬ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਰਹਿਤੀ ਥੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਉਨ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਡਾਲਦੇ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਇਲ ਐਸੇ ਥੇ ਕਿ ਲੋਕੋ ਕੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਥੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਫੋਰਮ ਪੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਿਲਦੁਰਿੰਦ ਰੁਖ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤਸਦ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਤਸਦ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਅਸਸਤਾ ਗੱਲ ਹੀ ਔਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਿਆਨ ਤਹਿਸੀਲ ਲੋਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਮੋਹ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਾਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਇਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬੜੇ ਨਾਮਸਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਪਕੀ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੰਮ ਅਛਣਾ ਦੂਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਵੀਆ ਆ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਗੂਗਲ ਉੱਪਰ ਜਿਸਲੇ ਔਰ ਇਹ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹਾ ਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਭਰਾਓ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਨਾ ਮੂਮਨ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਗੱਠੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸੀਆਂ ਅਸਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇੜ ਸਾ ਰੋਈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਗੂਗਲ ਉੱਪਰ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੇਜ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਬਸ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਾਰੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਰਵੈਣੀ ਰੋਈ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਰੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਉਹ ਅਸ਼ਨਾ ਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਾ ਸੋ ਡੋਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਅਚੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਬਰਸ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਾਂ ਤੋਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਾਂ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਮ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ 100 ਸਾਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ, ਬਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਸਕਣੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਫਸ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਅਵਲਦਾਰਾ ਨੇ ਸੁਣ ਨਜ਼ਮ ਡਿਠੀ ਸੀ 65 ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾ ਅਨਵਾਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਆ ਲੋਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਆਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਤੌਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ। ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ ਨੇ 10 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢੀ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰੋੜਨਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਲਾ ਨਾ ਅਛਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਅਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਸਾਂ, ਸੋਰੀ ਫਰ ਕੱਟ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਸਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਅਸਾਂ ਬਣਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਬਾਵਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬਾਵਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਬਜਿੰਜੂ ਵਾਲਾ ਕੱਟ ਸਾਂ, ਉਹ ਬਿੰਜੂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹ ਕੱਟ ਸਾਂ, ਪੂਰਾ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇਖ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਾਨ ਸਾਂ, ਕਲਚਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇ, ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋ ਆਬਸ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਗਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਬਲਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਬਸ਼ਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸਜੀ ਕੋਟ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਔਰ ਨਗਰੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਸ ਯਕੀਨੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਗਲਿਆ ਮਰੀ ਮਰੀ ਸੁ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੇਟਸ ਏ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ 2-3 ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਛੱਡਣ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਈ ਛੱਡਣ, ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਲੋਰਾ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ੀਰ, ਰੀਅਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ੀਰ ਇਲਾਕਾ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੋਰੇ ਕੀ, ਔਰ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਆ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਣੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਹਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੇ ਜਨਾਬ ਏਡੀ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਅਸਕੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੋਏ ਅਸਾਂ ਹਿਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਿਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਕਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਆ ਕਰਦਾ ਆਪਕਾ ਕਰਦਾ ਉਸਮੇ, ਔਰ ਹਿਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੋਏ ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਐਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਵਾਹ, ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਕੋਟ ਸਰਕਲ ਲੋਰਾ ਨਗਰੀ ਮਤਲਬ ਸੋਰੀ ਲੋਰਾ ਗਲਿਆਦ ਮਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਪਟਵਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਾਜਾ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਆਦਲਬਾਜ਼ੀ ਫਲੈਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਤਰਜਮਾਨ ਤਰਜਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਨਾ ਕਿਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸਲੇ ਨਫਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਰਜਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾਂ ਜਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਆ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਸਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਅਪ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਿਸ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਲੋਗੋ ਬਣਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਹੱਥੇ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਾੜੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ PID ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਂ PIO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੀ ਬਣਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਸਾ
तो उत्थें उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प जवाब सा जी कि तुसा ना ते चूंकि पिछले बाईं सालों तो चलना अच्छा दिस तुम जर्नलिस्ट आ लेकिन सौ अगर कुछ की नुमाइंदा अगर देसा ना तो वो जर्नलिस्ट नहीं आ जब तक वो जर्नलिज्म करी तो ना ऐसी बेशक ठीक है। ये जर्नलिज्म सर दो धारी तलवार ही सोने मुँह चू निकलिया एक लफ्ज सोने लिखी एक सतर जड़ी है ना उसी रिस्पांसिबिलिटी सौ पर होनी। एग्जैक्टली चाहे छोटा अखबार है बड़ा अखबार है बिल्कुल कोई भी न्यूज़ नेटवर्क है कोई भी किसी किस्म का लेकिन उसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। और फिर उस दिन में भी बात कर रहा था जो एडी भाई साहब के साथ कि हमारे जो दोस्त हैं कुछ वो सीखें ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पे हमारे इलाके में जिन्होंने अपनी उम्रें इस प्रोफेशन में गुजारी हैं उनसे सीखें कि जर्नलिज्म है क्या उसके बाद अपना शौक पूरा करें। हमें खुशी है मतलब नौजवान आ रहे हैं हुसैन की मैं बात कर रहा हूँ हाँ। माशाल्लाह आज इस्लामाबाद का मोस्ट एक्टिव वो जर्नलिस्ट है वो जर्नलिज्म पढ़ के आया है मतलब आज मतलब हमसे आगे वो निकल गया है उसने मेहनत की है ना बिल्कुल बहुत सारे अहमद सईद अब्बासी आप देखें कमरान खान के साथ के बैठा होता है बिल्कुल नौजवान और अभी देखें इलेक्शन भी जीते हैं इलेक्शन भी जीता है। और दूसरा मतलब हमारे लिए बड़े फख्र की बात होती है कि ऐसे नौजवानों को हम देखते हैं क्योंकि मतलब ये फ्यूचर इन लोगों का है इनसे सीखें यार एक नाम तो हमारा है ना जी नाम तो लोरे का है ना लोरे का बिल्कुल यही चीज़ है। बहुत सारे और हमारे दोस्त हैं शाकर अब्बासी नया हमारा बिल्कुल और शाकर साहब फुटेज इंटरनेशनल चली है इंटरनेशनल वो चली है वो क्रिकेट वाली वो छक्का जो हमारा बिल्कुल वो उस दिन वो मेरा ख्याल है उसमें मैनचेस्टर में मैच हो रहा था वो पाकिस्तान का और इंग्लैंड का मैच था और उसके बाद उन्होंने वो जब एनलिस वहाँ पे खड़े थे काफ़ी वो एनालाइज कर रहे थे तो उन्होंने वही दिखाया था कि पाकिस्तान में शौक किस तरह के क्रिकेट का वो छक्का मारता और ऊपर से किस तरह नीचे आ रहे हैं ये जज्बा है हम पाकिस्तानियों का हर चीज़ में हम इंतहा पसंद हैं मतलब जिस तरह के शौक जिस तरह के बारे होते हैं शौक पूरा करें। लेकिन थोड़ा सा मैं ये चोई साहब के इस चैनल की वसत से मैं अपने दोस्तों से ये कहूँगा कि कम अज़ कम थोड़ा सा मेयार का स्टैंडर्ड का क्वालिटी का और दूसरा एथिक्स का ख्याल रखा करें। और मसलन किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो करें जर्नलिज्म का एक खासा होता है क्रिटिसिज्म लेकिन साथ उसके जो मतलब आपने जो मौक़िफ़ लेना होता है किसी का एक दफ़ा ज़रूर ले लिया करें चाहे उसका मामूली सा पोर्शन दे दिया करें लेकिन उसका मौक़िफ़ ज़रूर ले लिया करें और फिर देख के उसको अच्छी तरह मतलब उस पर तहकीक करके उसके बाद खबर की इशात किया करें चाहे सोशल मीडिया है या कोई न्यूज़पेपर है या कोई टीवी चैनल है हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और मैं चौधरी साहब मैं सुन प्रोग्राम चूँकि काफ़ी लंबा हो गया और उस में एक चीज़ ना जिक्र ज़रूर कर सा कि मिकी इस चीज़ में खुशी होनी कि मतलब तुसा भी और काफ़ी सारे असाने नौजवानों को मोटिवेट किया तुसाने वॉल न्यूज़ नेटवर्क की वजह तो लोगों की मोटिवेशंस उत्थे हुईया मतलब उन लोगों की शौक पैदा हुआ जर्नलिज्म ना। और आज में देखना है कि हर गली मोहल्ले में एक जर्नलिस्ट वहाँ उत्थे जरूर होना लेकिन दूसरी जानब इस चीज़ ना मैं इस चीज़ ने मिकी खुशी होनी कि आई मतलब वॉल न्यूज़ नेटवर्क भी लोहरे वाले लोग अपनी ज़रूरत समझ रहे हैं ऐसा मैं कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें इस तरीके ने हाईलाइट किया। और मैं एक रिक्वेस्ट कर सा अपने लोहरे ने लोगों की कि कम अज़ कम अपनी किसी प्रोडक्ट की तशहर वस्ते अपने किसी इवेंट की तशहर वस्ते वॉल न्यूज़ नेटवर्क जिससे खबर नहीं इशात करना कम अज़ कम तुसा एडवरटाइजमेंट ने वाले ना तो बिजनेस ने वाले ना वो न्यूज़ नेटवर्क ना जरूर ख्याल रखे करा कि माड़ा जहा भ्रा जिन्हें नाम शायद हालात बचो तुसा लोगों की टाइम देना तुसा लोगों पीछे अपना टाइम ज़ाया करना और तुसा जगह जगह गच्छी तुसा नहीं तहशीर करना तो कम अज़ कम इस ऐसे किसी इवेंट ने वाले ना या किसी अपनी प्रोडक्ट की तहशीर वस्ते अपने बिजनेस या किसी हवाले ना बजाय तुसा मतलब बाकी अखबारात ना मना ना करने लेकिन वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क तुसा नहीं अपनी आवाज़ ही तहसील दौरानी आवाज़ ही उसना जरूर ख्याल रखा करा। और असने इस प्राओ की सफ़ेद पोश पर आया इसना जरूर मैं अक्सर इन्हें की चोई साहब की जिक्र करना होना लेकिन ये इन्होंने कहा होना कि मारवासी मैंने जर्नलिज्म करनी है मैंने सर के बाल बाल दो के सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे मेरा ख्याल है लेकिन सफ़ेद हुए हुए इनके ज़रूर तो कहते हैं कि मैं जाके अपनी आखरत नहीं ख़राब करना चाह रहा मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाह रहा मेरा जो काम है मेरा प्रोफेशन है मैं इसको बेचना नहीं चाह रहा। लेकिन हमें इनका ख्याल रखना चाहिए हमें कुछ ना कुछ किसी हद तक इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और फिर ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानीज हैं जो जिनकी आवाज़ बनते रहे हैं बन रहे हैं असगर चौधरी साहब जिस तरह मैंने देखा है कि अक्सर मैंने देख रहा होता हूँ जिन दोस्तों का हमें पता नहीं था कि दुबई में बैठा है सऊदी अरेबिया में या यूके में या किसी भी दुनिया के मुल्क में बैठा है तो वो न्यूज़ उसे हाई लाइट कर रहा होता है कि फ़लाँ का ये हो गया। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वैसे तो ग्लोबल विलेज दुनिया बन गई है ये डिजिटल मीडिया की वजह से तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें लोगों के हालात और वाक़ात का पता इसी वॉल न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। और मैं बड़े फ़ख्र से आज मैं कह रहा हूँ
कि मेरे इलाके की आवाज़ है, मेरी तहसील लोरा की आवाज़ है, मेरे आवाम की आवाज़ है बोल न्यूज़ नेटवर्क। और मैं बरमला ये कहता हूँ कि हम चाहे कुछ भी, हमारे जो दोस्त हैं मतलब मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट भी हमसे ज़्यादा हैं, कुछ भी हैं, मतलब मैं बहुत सारे नाम गिनवाए हैं, लेकिन आज हम किसी भी मकाम पर चले जाएँ लेकिन हमें अपने उस इलाके को ज़रूर याद रखना चाहिए। और ख़ास कर जो लोग उस इलाके के लिए अपने दिन रात एक कर रहे हैं, उनकी काविशों को कम से कम खराज तहसीन पेश करना अखलाकी तौर पे भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। कुछ अल्फाज बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, तुसा अनवार अब्बासी ने गुफ्तगू सुनी, बहुत जगह पर इन्हें कसरे नफसी के नाल भी कम किया। एक चीज़ इतना चुके पेशगी ना मैं गल ना करी चुकी हैं, ये तुसनी तरफ इन्हें बिल्कुल एक हुक्म ही है और यकीन इसकी हुक्म ही है समझा कि ये अपने इलाके तो मजीद दूर ना हो सो। पहली गल कि वीकली एक प्रोग्राम इन्होंने बहुत जरूरी है, वीकली ना तो 15 रोज़ा में तो कोई उसी गुंजाइश थी या नहीं, और उसी जो उसी तमाम यूनियन काउंसल्स ना पोस्टमार्टम, सरकारी अदारियां ना पोस्टमार्टम, जिते जिते अवामी मसाले आसा ना कम उन्होंने निशानदेही करना, आसा जज ना आसा ना कम आ वो मसायल आसा अरबाब इख्तियार है उन्होंने नज़र तक किनिए अच्छा ना आसा ना कोई एजेंडा है, आसा ना एजेंडा है असर लोरे ने लोग लोरे ने लोगों ने कम होने चाहिए, लोरे ना शाइनिंग जड़ा फेस शाइनिंग फेस ऑफ लोरा आ ये दुनिया ने सामने आना चाहिए। और उस तो बाद अगर जिसला असं दुनिया तो गेसा तो असनी गुजारिश ये उसी कि अल्लाह ताला असनी काविश कबूल करे और अपनी अगलियां मंजिल असनी आसान करे। उस वेले तक इजाज़त दिया, अल्लाह हाफिज़।